जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, तो सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। एन उसी वक्त भारत चांद के कुतुब जुहरी पर उतरने वाला दुनिया का पहला To the moon and the launch of India's Chandrayaan 3 spacecraft. तेईस अगस्त 2023 इस डेट को पॉइंट डाउन एंड नोट करके रखो। 6:04 पर चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट के अंदर का द विक्रम लैंडर सक्सेसफुली लैंड कर जाता है चांद के सरफेस पर। एंड लेटर ऑन वो जिस जगह पर लैंड करता है उसे साइंटिस्ट नेम दे देते द शिव शक्ति पॉइंट। एंड यूएस, चाइना एंड तब के सोवियत एंड आज के रशिया के बाद इंडिया बन चुका है वो फोर्थ कंट्री जिसने चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड कर दिया। एंड वी गॉट इट। लेकिन मून के साउथ पोल वाले रीजन पर ऐसा क्या रहस्य छुपा है जिसकी वजह से साइंटिस्ट इतने ज़्यादा एक्साइटेड है कि चांद के साउथ पोल वाले रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम फैक्टोपिया एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो टाइटल इंडियाज थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन फ्रॉम लॉन्चिंग टू लैंडिंग एंड फ्यूचर मिशंस। ऑन 25 सितंबर 2009 इसरो के चंद्रयान फर्स्ट मिशन के टाइम पर इसरो अनाउंस करता है खुद का द MIP मिशन, दैट इज मून इम्पैक्ट प्रोब मिशन। एंड इस मिशन में सबसे पहले द ऑर्बिटर एंड द मून इम्पैक्ट प्रोब को एक दूसरे के साथ सेपरेट होना था। एंड सेपरेशन के बाद ऑर्बिटर निकल पड़ता है अपनी जर्नी जो कि मून के अराउंड ऑर्बिट एंड स्टडी करनी है। एंड लेटर ऑन जो भी ये मून इम्पैक्ट प्रोब था ये सीधा का सीधा जाकर मून के साथ क्रैश लैंडिंग करता है। एंड क्रैश लैंडिंग से कुछ ही सेकंड पहले इसने वाटर को ट्रेस किया लूनर साउथ पोल पर इन द फॉर्म ऑफ आइस, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। बट आइस के फॉर्म में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बात यह है कि मून को अर्थ के अराउंड 1 रिवॉल्यूशन मारने के लिए लगेंगे एस्टिमेटेड 28 अर्थ डेज का टाइम, विच मीन्स मून के पास सेम टाइम पीरियड है फॉर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। एंड इसी एस्टिमेटेड टाइम को रेफरेंस में लेते हुए यहाँ पर 14 अर्थ डेज बराबर होता है मून पर 1 लूनर डे। एंड इस लूनर डे पर मून की एक फेस तो सनलाइट की तरफ पूरी की पूरी एक्सपोज होती है जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लगता है। एंड यहाँ पर दूसरी फेस जो होती है जो डार्क साइड होती है ये पूरा का पूरा अंधेरा में डूबा होता है। एंड यहाँ पर कोई भी लाइट ना पहुँचने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर ऑन इवन एक्सट्रीमली एंड ड्रास्टिकली चेंज होने लगता है। एंड साउथ पोल इन दो रीजन के बीच में आता है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगता है टाइम के रिस्पेक्ट में। एंड इसीलिए साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि साउथ पोल के इस रीजन पर वाटर ट्रैप होगा इन द फॉर्म ऑफ आइस। एंड साउथ पोल की इसी ऑनिवन टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर ड्रास्टिकली चेंज होने की वजह से यहाँ पर मिलने वाली जो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है मून के फॉर्मेशन से लेकर आज तक एक्मुलेट होती है एंड फ्रीज होती रहती है टाइम के रेस्पेक्ट में। एंड इसे सबसे पहले दुनिया के सामने चंद्रयान फर्स्ट मिशन के दौरान मून इम्पैक्ट प्रोब मिशन ने क्लियर किया था। तो चंद्रयान फर्स्ट मिशन ने नवंबर 14, 2008 में दुनिया के सामने लूनर साउथ पोल पर वाटर को फाइंड किया था। एंड इसकी वजह से दुनिया भर की सारी सारी स्पेस एजेंसी का अटेंशन ग्रैब होता है लूनर साउथ पोल किया। एंड दुनिया भर की स्पेस एजेंसी निकल पड़ती है लूनर साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए, इंक्लूडिंग नासा, जैक्सा, ESA एंड इंक्लूडिंग आवर इसरो विद द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ ऑल टाइम चंद्रयान 3 एंड द थिया प्लैनेट जो कि एक हाइपोथेसाइज एंड माइथोलॉजिकल प्लैनेट है जिसके अर्थ के साथ कोलिजन के बाद मून का फॉर्मेशन हुआ था या फिर नहीं। एंड सोलर सिस्टम से एंड मून से रिलेटेड काफ़ी सारी नई इंटरेस्टिंग बातें को इसरो प्रैक्टिकली प्रूव करके बताने वाला है आने वाले टाइम पर। फिर इन सारी बातों को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए इसरो के पास अभी के टाइम पर लेस देन 15 डेज का टाइम है। एंड ऐसा क्यों मैं आप लोग आगे वीडियो में बताऊंगा। एंड लेट्स फोकस ऑन द लॉन्चिंग ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। 14 जुलाई 2023 इंडिया के आंध्र प्रदेश रीजन पर एग्जिस्ट कर रहे द श्री हरिकोटा के द सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो इंडिया थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च करता है ऑन 14th of July। एंड इस मिशन को अंजाम देने के लिए इसरो के पास द LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो कि एक 3-stage हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल थी एंड जिसका मेन एम यही था कि चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट को सक्सेसफुली अर्थ के एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट EPO पर प्लेस कराना जिसका साइज था अराउंड 170 x 36500 किलोमीटर।
एंड ये भी कंप्लीट होता है विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स। एंड चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट अर्थ के अराउंड 5 टाइम्स ऑर्बिट करता हुआ ये अपनी पैथ एंड एलिप्टिकल साइज को इंक्रीज करता हुआ फिर किसी एक ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट की तरह मून की तरफ फेंका जाएगा यूजिंग मून्स ग्रेविटी। एंड यहाँ से ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जोन से फाइनली स्केप कर जाता है एंड इंसर्ट हो जाता है लूनर ऑर्बिट पर। एंड इस प्रोसेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्रांस लूनर इंजेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। एंड ऑन ऑगस्ट 5 चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली इंसर्ट होता है लूनर ऑर्बिट पर। एंड इसरो ट्रेडिशनल वे से लैंडिंग ना करके उससे हटकर द ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवर प्रोसेस को फॉलो करता हुआ चंद्रयान 3 को मून के और ज़्यादा नज़दीक लेकर जाने वाला था। एंड 5 ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवर में से 2 ऑर्बिट रिडक्शन मैन्यूवर को इसरो ने सक्सेसफुली 6 और 9 अगस्त को कम्प्लीट किया। एंड इस प्रोसेस में द चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को मून के अराउंड अपने पैथ को डिक्रीज करता हुआ मून की सरफेस की ओर बढ़ना था। एंड लैंडिंग से पहले इसरो सक्सेसफुल होता है 2-way कम्युनिकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करना बिटवीन द लैंडर मॉड्यूल एंड द ऑर्बिटर ऑफ द चंद्रयान 2। एंड द ऑर्बिटर ग्रीटेड द विक्रम लैंडर सेइंग वेलकम बडी। चंद्रयान 2 जो कि एक पार्शियल फेल मिशन हो गया था ड्यूरिंग लैंडिंग टाइम एंड इसका ऑर्बिटर ने सबसे पहले द विक्रम लैंडर के लिए परफेक्ट सेफ लैंडिंग स्पॉट को आइडेंटिफाई किया साउथ पोल पर। एंड उसके बाद भी द ऑर्बिटर ने द लैंडर मॉड्यूल एंड द इंडिया के ग्राउंड स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश किया एंड यहाँ से हमारी डाटा बहुत ज़्यादा सेफली जा सकती है इंडिया के ग्राउंड स्टेशन तक विदाउट एनी थर्ड पार्टी इंटरप्शन। एंड अब दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज होने लग गई थी एंड सांसें फूलने लग गए थे क्योंकि मिशन और भी ज़्यादा टफ एंड चैलेंजिंग होने वाला था क्योंकि अब की बारी थी द विक्रम लैंडर की लैंडिंग की। एंड यहीं पर विक्रम लैंडर को अपनी स्पीड को 1.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड को ऑलमोस्ट जीरो पर लेकर आना था। एंड यहीं पर काफ़ी सारे स्पेसक्राफ्ट खराब होते हैं क्योंकि मून के पास ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर ना के बराबर है। एटमॉस्फेयर तो है लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होती जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होने की वजह से सारे के सारे लोड द थ्रस्टर्स पर आते हैं। एंड अगर थ्रस्टर्स थोड़े से भी काम नहीं करेंगे एंड प्रिसाइजली वर्क नहीं करेंगे तो यहाँ पर चांसेस होंगे कि स्पेसक्राफ्ट क्रैश होने की। एंड जो विक्रम लैंडर पर लगा हुआ था टच डाउन सेंसर था अगर लैंडिंग के टाइम पे थोड़ी सी भी खराब होती तो यहाँ पर ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। एंड इसरो ओवरकम दिस ऑल द ऑब्स्टेकल एंड सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मून ऑन 23 अगस्त 2023 6:04 PM। एंड इस पर्टिकुलर मिशन को इसरो को कंप्लीट करने के लिए लग गए थे अराउंड 41 डेज का टाइम क्योंकि इसरो ट्रेडिशनल वे से लैंडिंग ना करके एंड 1-way पैथ को फॉलो ना करते हुए एंड फ्यूल रिडक्शन प्रोसेस को एस्टिमेटेड लो रखते हुए ये ऑर्बिट मैन्यूवरिंग प्रोसेस को फॉलो करता हुआ चांद की साउदर्न पोल पर सक्सेसफुली लैंड करता है। एंड इस चंद्रयान 3 मिशन को इसरो ने कंप्लीट किया था विद द बजट ऑफ 69 करोड़ जो कि बहुत ज़्यादा लो है एज कम्पेयर टू दूसरे सारे स्पेस एजेंसीज। एंड चंद्रयान 3 मिशन के टाइम पर एक और स्पेस प्रोब लॉन्च होता है जो कि लूना 25 था एंड विच वॉज एग्जीक्यूटेड बाई रशिया एंड जो कि अनफॉर्चुनेटली फेल मिशन हो गया था ड्यूरिंग लैंडिंग टाइम। एंड अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता तो ये चंद्रयान 3 से 2 डेज अर्लियर चांद के साउदर्न पोल पर सक्सेसफुली लैंड कर जाता। ईयर 1976 सोवियत यूनियन द्वारा भेजी गई लास्ट एंड 24th लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन जो कि लूना 24 था एंड ये एक रोबोटिक प्रोब मिशन था जिसका मेन एम यही था कि चांद के लूनर सैंपल को और तक लेकर आना फॉर स्टडी एंड रिसर्च पर्पज। एंड इसकी वजह से साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर पाए कि चांद के मिनरल्स एंड एलिमेंटल कॉम्पोजिशन को। रशिया का ये मिशन कम्प्लीट हो गया था ऑन 22 अगस्त 1976 एंड एक बार फिर से रशिया 50 साल के बाद लूनर एक्सप्लोरेशन स्पेस रेस पर वापस आता है। एंड ऑन August 10th 2023 6:10 पर रशिया सक्सेसफुली लॉन्च करता है लूना 25 मिशन को फ्रॉम वोस्टोकनी कॉस्मोड्रोम सेंटर से एंड जहां पर हमारे चंद्रयान 3 मिशन को अर्थ के अराउंड 5 टाइम्स ऑर्बिट करता हुआ ये ट्रांसलूनर प्रोसेस को फॉलो करने के बाद लूनर ऑर्बिट पर एंटर करता है। लूना 25 मिशन के लिए ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं था ये सीधा 1-way पैथ को फॉलो करता हुआ लूनर ऑर्बिट पर एंटर करता है। एंड लैंडिंग के टाइम पर लूना 25 ने अपने जैसे सर्कुलर ऑर्बिट को मून की लोअर प्री लैंडिंग जोन की तरफ शिफ्ट किया देन हद से ज़्यादा थ्रस्ट की वजह से ये मून के सरफेस के साथ जाकर कोलाइड हुआ एंड यहीं पर ये मिशन क्रैश करता है एंड फेल हो जाता है। बट वेट चंद्रयान 3 मिशन के पास ऐसा कोई भी एरर का चांसेस नहीं था जो कि था प्लस माइनस जीरो क्योंकि इसरो ने अपने फेल हुए मिशन जो कि चंद्रयान 2 को परफेक्टली एनालाइज करने के बाद इस मिशन को अंजाम दिया एंड जो कि सक्सेसफुल भी हो गया। तो यहाँ पर बात हुई चंद्रयान 3 मिशन एंड
लूना 25 मिशन के बीच में हुई लूनर एक्सप्लोरेशन स्पेस रेस की, जिसमें चंद्रयान 3 फाइनली जीत गया। लेट्स चेक द मॉडल ऑफ चंद्रयान 3, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड द लैंडर मॉड्यूल कैरिंग रोवर मॉड्यूल इनसाइड इट। द विक्रम लैंडर लैंडिंग के बाद डिप्लॉय करता है 3 पेलोड्स को, दैट इज चेस्ट, रैम्बा, ISLA, जिसमें चेस्ट पोलर रीजन पर हो रहे थर्मल एक्टिविटी और टेम्परेचर वेरिएशन की स्टडी करेगा, एंड जो कि रैम्बा है जो आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करेगा मून के आयनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर पे, एंड जो ISLA ये डिटेक्ट करेगा मून पर हो रहे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वाइब्रेशन एंड ऑल्सो स्टडी द मून क्वेक्स। एंड लैंडिंग के 3.5 आवर्स के बाद रोवर लैंडर से बाहर निकलता है, क्योंकि लैंडर ने मून की मॉर्निंग पर लैंड किया है और मून की नाइट बहुत ठंडी होती है, अप टू -232 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एंड इस टेम्परेचर वेरिएशन को चेक करने के बाद द रोवर द लैंडर मॉड्यूल से बाहर निकलता है बाय द हेल्प ऑफ नेविगेशन कैमरा। वाइल इस प्रज्ञान रोवर का लाइफ ओनली 14 डेज का है, क्योंकि मून पर 14 अर्थ डेज का 1 लूनर डे होता है। तो जब रोवर पर सनलाइट पड़ेगा तो रोवर 50 वाट पावर को जनरेट करेगा फॉर इट्स वर्किंग एंड स्टडी पर्पज। एंड प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड सिस्टम लगे हुए हैं, जो कि APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो मून के सोइल पर एलिमेंट्स को डिटेक्ट करेगा लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, पोटासियम, कैल्शियम, आयरन एक्सेट्रा। एंड दूसरे पेलोड जो कि LIBS है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जो वाटर को डिटेक्ट करने के लिए साउथ पोल पर केमिकल कंपाउंड एंड मिनरल कंपोजिशन को स्टडी करेगा। एंड रोवर पूरी डेटा को लैंडर मॉड्यूल के पास भेजेगा, एंड लैंडर इस पूरे के पूरे डेटा को अर्थ तक भी भेज सकता है, एंड इसके अलावा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को भी भेज सकता है। एंड चंद्रयान 2 इस डेटा को अर्थ तक भेजेगा, बट रोवर डायरेक्टली अर्थ तक डेटा को नहीं भेज सकता। एंड इन सारी की सारी डेटा को इसरो का IDSN-32 इंडियन डीप स्पेस स्टेशन इन डेटा को कंटिन्यूसली कलेक्ट करता है। एंड किसी भी कंट्री के पास खुद का डीप स्पेस स्टेशन होना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि डेटा लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लो रहते हैं। एंड 14 डेज तक अर्थ पर डेटा को भेजने के बाद रोवर लैंडर पर फिर से वापस चला जाएगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -232 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। एंड नेक्स्ट 14 डेज के बाद जब साउथ पोल पर सनलाइट पहुँचेगी, अगर लैंडर एंड रोवर पर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यूसली काम करेंगे तो फिर ये अपनी स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करेंगे, जिसकी चांसेस बहुत कम है। एंड जैसे 14 डेज कंप्लीट होते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू इसरो वो होप वर्ड को यूज करते हैं, एंड उसके बाद लैंडर एंड रोवर डेड हो जाएंगे शायद। तो इतनी थी लैंडिंग तक की मिशन। लेट्स मूव ऑन द फ्यूचर मिशंस। शुक्रयान इसरो का वेनस ऑर्बिटर मिशन नेम्ड एज शुक्रयान मिशन, जो कि स्टडी करने वाला है वेनस के सरफेस एंड एटमॉस्फेयर को। गगनयान 2 इसरो इस मिशन को लॉन्च करेगा इन एंड ऑफ 2023 और इन ईयर 2024। एंड इस मिशन पे इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को अर्थ के LEO लो अर्थ ऑर्बिट तक लेकर जाने वाला है। निसर मिशन जो कि एक पार्टनरशिप मिशन होने वाला है बिटवीन इसरो एंड नासा, एंड इस मिशन को डिजाइन किया है टू मेजर एंड ऑब्जर्व नेचुरल प्रोसेस ऑन सम प्लैनेट्स इंक्लूडिंग देयर इकोसिस्टम डिस्टर्बेंसेस, आइस शीट कोलैप्स, नेचुरल हैजर्ड्स लाइक अर्थक्वेक्स, सुनामीज, वोल्केनोस एक्सेट्रा। गगनयान इसरोस मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 MOM-2 जो कि लॉन्च होने वाला है 2024 तक। एंड इस मिशन पर MOM-2 स्टडी करने वाला है अर्ली स्टेज ऑफ मार्स, अर्ली क्रस्ट फॉर्म्ड, रिसेंट बॉसॉल्ट्स को। एंड वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को एक लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय नेपाल।